बिहार की नंबर वन एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल्को एलईडी लाइट्स स्मार्ट एंड ब्राइट कॉन्टैक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। बैंक में पैसा जमा करने जा रही युवती के हाथ से झपट्टा मार चोर पर्स लेकर हुआ फरार। युवती के द्वारा शोर मचाया गया तो आसपास के लोगों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो गई थी और लुटेरा वहां से भाग निकला। वह इस घटना में युवती का मोबाइल तो टूट ही गया, शरीर के हाथ और अन्य जगह पे चोटें भी लगी। पूरा मामला है चौक थाना क्षेत्र का, जहां चौक शिकारपुर सिटी स्कूल के समीप की रहने वाली पीड़िता लवली करीब 18,500 अपने पर्स में रखे चौक स्थित बैंक में पैसा जमा करने जा रही थी कि जैसे ही वह स्लम एरिया मोड़ के पास पहुंची थी, पीछे से एक बाइक पर सवार दो लुटेरा आया और झपट्टा मारकर पर्स छीनते हुए स्लम एरिया के रास्ते भाग निकला। हालांकि आसपास द्वारा लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लुटेरा को नहीं पकड़ा गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छिनतई की घटना को बारीकी से जांच कर रही है और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। इस संबंध में चौक थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी की जल्द रिपोर्ट आएगी, जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निधि सिंह के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। क्या घटना हुआ था? ये घटना हुआ था कि हम अपने घर से जा रहे थे बैंक के साइड पैसा जमा करने के लिए, क्योंकि पापा ने बोला था। तो मैं जब अपने घर से थोड़ी दूर की दूरी पे पहुंची तो वहां पर जाने के बाद दो युवक आए थे गाड़ी पे, बाइक पे। एक ने हेलमेट पहन रखा था, एक ने मास्क लगा रखा था, और उसमें से पीछे वाले जो व्यक्ति थे उसके बाल छोटे छोटे कटिंग थे बालों की। और उसके बाद उन्होंने जो झटके से मेरा पर्स खींचा था, उसकी वजह से मैं नीचे के साइड गिरी थी तो मेरे हाथों में चोट भी लगी। और चोट लगने के बाद जब मैं उसके फिर पीछे दौड़ने की कोशिश की, दो तीन लोग वहाँ पे गए उनके पीछे, जाने की भी कोशिश की तो बट वो पकड़ाया नहीं। फिर मैं पापा को बताई ये बात आकर, तो फिर पापा ने मुझे बुला थाना में जाकर एफ आई आर दर्ज करने के लिए। तो दो घंटे थाना में बैठी, तो एफ आई आर दर्ज किया उसके बाद। ये घटना कितना बजे का है? लगभग 2:30 बजे का। कहाँ पर घटना? घटना यहाँ पे आपका चौक के साइड। घटना यही घटी है कि ये जो लवली कुमारी है, इनका कल 2:30 बजे करीब दोपहर में इनका पर्स एक लड़का बाइक से आए हुए थे दो व्यक्ति, और वो छीन के चले गए। जिसमें ये बता रही है 18,500 रुपया था और इनका आधार कार्ड वगैरह था। तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पता करने के लिए आए हैं कि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिले या कुछ मिले तो हम उन लोगों को पकड़ सकें। आपका परिचय? मैं चौक थाना PSI संजीव कुमारी हूँ।